आखिर कलयुग में किसके अवतार हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी? क्या नरेंद्र मोदी कहीं भगवान विष्णु के अवतार कल्कि तो नहीं? आखिर क्या है नरेंद्र मोदी की दिव्य शक्तियों का राज? नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म स्टोरीज और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल भारत के इतिहास में नरेंद्र दामोदर दास मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिनकी इच्छा शक्ति ने विश्व मंच पर भारत की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को पुनर्स्थापित किया, विश्व के सनातन धर्मियों को जागृत किया, 10 सालों की कोशिशों से आत्मनिर्भर भारत को विकसित बनाया, तो वहीं जनता के साथ किए गए हर वादे को निभाया। दिन रात देश हित में कार्य करने वाले करिश्माई व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सच में दिव्य शक्ति का प्रतीक हैं या फिर एक आम इंसान हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या सच है? इस पर क्या कहती है परम पूजनीय सदगुरु रितेश्वर महाराज की भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। दरअसल सदगुरु रितेश्वर महाराज जी के इस बड़े बयान के बाद लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अलग अलग चर्चाएं बनी हुई हैं। लोगों का कहना है कि क्या रितेश्वर महाराज ये कहना चाहते हैं कि कलयुग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जी के अवतार हैं, या फिर उनका निशाना कुछ मजहबी कट्टरपंथियों पर है और वह उन्हें असुर की श्रेणियों से संबोधित कर रहे हैं। आखिर सदगुरु रितेश्वर महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ शांतिप्रिय समाज को क्या कहकर बुलाया और उनके इस साक्षात्कार की असली वजह क्या थी, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सदगुरु रितेश्वर महाराज वृंदावन के एक संत, आध्यात्मिक नेता और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्होंने वृंदावन के आनंदम धाम की स्थापना भी की है। लेकिन इस बार रितेश्वर महाराज ने कुछ ऐसा कह दिया कि वो लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से ही मजहबियों के बयान और उनके पीछे कटाक्ष अपने चरम पर है। ऐसे में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही सदगुरु रितेश्वर महाराज ने भगवान राम पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर एक तीखा कटाक्ष किया है और कुछ शांतिप्रिय समाज के लोगों की कट्टरपंथियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कुछ असुरी शक्तियां इस युग में भी मौजूद हैं और आज भी मौजूद हैं। उस युग में भी भगवान राम ने उनका नाश किया था और आज इनका नाश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पद पर आसीन हैं। और अब लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि देश के चारों शंकराचार्य बड़े हैं या फिर प्रधानमंत्री? क्या रितेश्वर महाराज का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम का अवतार कहना था? रितेश्वर महाराज के अनुसार शंकराचार्य देश में धर्म की स्थापना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। अब इनकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन देश संविधान से चलता है और संविधान प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी ही देश में सर्वोच्च हैं। रितेश्वर महाराज का कहना है कि जब अयोध्या और ज्ञान व्यापी का फैसला हिंदुओं के हक में हो चुका है, तो काशी और मथुरा भी हिंदुओं के हक में ही होगा। जिस तरह 500 सालों से इंतजार के बाद कुछ ही महीनों में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया, उसी तरह वो दिन भी दूर नहीं जब भारत एक हिंदू राष्ट्र बनकर उभर कर आएगा और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत होगा। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रितेश्वर महाराज ने कलयुग में श्री राम का अवतार कहा है और उन्हें ही असुरी शक्तियों का विनाश का दूत भी बताया है। क्या आप लोगों का भी यही मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।